लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रदेश सह सचिव बालासाहेब शिंदे ने नई मुंबई मनपा के नॉन कोविड मेडिकल स्टाफ को कोविड मेडिकल कर्मियों की तरह समान वेतन देने की मांग की है। आज मनपायुक्त को निवेदन देने के बाद मनसे नेता ने कहा कि नॉन कोविड मेडिकल स्टाफ आज कोविड मरीजों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में समान काम के अनुसार समान वेतन उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। आयुक्त अभिजीत बांगर ने मांग पर सकारात्मक निर्णय का भरोसा दिलाया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां हेल्थ वर्कर्स को कोरोना योद्धा मानकर सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, वहीं नई मुंबई मनपा है कि ऐसे कोरोना योद्धाओं को कम वेतन देकर उनका मनोबल तोड़ रही है। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि नई मुंबई मनपा में ऐसे 1800 से 2000 नॉन कोविड आरोग्य कर्मी हैं जो ड्यूटी तो कोविड सेंटर में करते हैं, लेकिन उन्हें कोविड कर्मियों की तुलना में 43% कम पगार दी जाती है। मनसे के प्रदेश सह सचिव बालासाहेब शिंदे ने सवाल उठाया कि यदि वे समान काम करते हैं तो समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर इन आरोग्य कर्मियों को न्याय देने की मांग की है। कोविड का प्रादुर्भाव न्यू बॉम्बे में पूरे भारत में चल रहा है, ऐसी स्थिति में कोविड योद्धा करके जो आरोग्य कर्मचारी जिसमें जीएनएम आ जाएंगे, डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय, अभी ये लोगों को नॉन कोविड में 50% लोगों को आयुक्त साहब ने भर्ती करके लिया था, लेकिन जैसे ही कोविड शुरू हो गया वो लोगों को कोविड में ट्रांसफ़र कर दिया। आज के डेट में 24 घंटा ही आरोग्य कर्मचारी कंटिन्यू काम कर रहे हैं और इनको जो है कोविड और नॉन कोविड का जो सैलरी है उसमें डिफरेंस है। जैसे एक नर्स को नॉन कोविड 20 था और कोविड में 35 है, तो वो 20 वाली को भी 35 का ही काम करना पड़ता है। तो हमने उनके साथ अभी आज मांग की है कि ये जो समान काम समान वेतन है वो जो तफावत है आप पूरी करें और जो अभी दो महीने से जो भर्ती किए उनको संलग्न सैलरी दी जाए। मनसे नेता ने आयुक्त से मुलाकात में नई मुंबई के उन आरोग्य कर्मियों का भी मुद्दा उठाया जिन्हें अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। बालासाहेब शिंदे ने कहा कि आरोग्य कर्मी कोरोना योद्धा हैं, फिर भी वैक्सीन की कमी बताकर उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित रखा गया है, जबकि उन्हें तत्काल वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि वे कोरोना से लड़ने में मददगार बन सकें। फिलहाल मनसे नेता की मांग पर आयुक्त ने जानकारी लेकर ऐसे आरोग्य कर्मियों को तत्काल कोविड वैक्सीन दिलाने का भरोसा दिलाया है। नई मुंबई महानगर पालिका के अंदर में राज्य सरकार हो या फिर महानगर पालिका प्रशासन हो, कोविड का जो वैक्सीन है उसकी कमतरता होने की वजह से बहुत सारे कम से कम 50% आरोग्य कर्मचारियों को लसीकरण नहीं किया है जो कोविड योद्धा कहलाते हैं। तो उनके लिए आप तुरंत कोविड का लस उपलब्ध करके दीजिए। आज के डेट में बहुत सारे आरोग्य कर्मचारी पॉजिटिव आ रहे हैं रुग्णों की सेवा करते हुए। सैलरी की जो तफावत थी उसके लिए कमिश्नर साहब ने बोला है अपने को कि हम उसके लिए मंजूरी दे दी है और जल्द ही उनको सबको एक जैसी सैलरी दी जाएगी। दूसरा वैक्सीन का जो बात है, वैक्सीन के लिए बोले कि मैं तहकीकात करता हूँ और जिनको नहीं दिया है उनको तुरंत वो वैक्सीन लगाने की सुविधा कर देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।